नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराएंगे प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथि हैं श्री ललित मोहन बेलवाल जी। ललित जी मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। थैंक यू, धन्यवाद सर। आपका पिछले 2-3 साल से अलग अलग तरह का सफ़र रहा। पहले एक रिटायरमेंट का एक आने वाला समय था, फिर आप रिटायर भी हुए, फिर उसके बाद आप उत्तराखंड की वादियों में अपने गृह क्षेत्र में चले गए, जहाँ शायद आपने कुछ दिन गुजारे होंगे, और फिर उसके बाद आपको वापस बुला लिया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। इन 2-3 सालों में बहुत सारी चीज़ें भी हुई, कोविड भी हुआ, वो भी हुआ, तो उसका किस तरह का समय आपका निकला, तो किस तरह की खुशी और किस तरह का रंज रहा? जी धन्यवाद। इनफैक्ट अभी फिर रिटायर हो जाऊंगा उस समय बाद, तो सेकंड टाइम रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन ये जो स्पिरिट में 2-2.5 साल का जो मेरा दूसरी पारी का समय रहा है, जी जी, ये इसमें कोविड, जैसे आपने बताया कि कोविड था, उस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास था कि जो हमारी महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं उनको लगातार कंटिन्यूटी है कैसे उनकी बनी रहे, क्योंकि कई तरह के चैलेंजेस सामने थे, बैठकें नहीं हो पा रही थी, प्रशिक्षण नहीं हो पा रहे थे, उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके मार्केटिंग के लिए भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस दौरान भी हमने इस जो विपदा आई थी, आपदा आई थी, महामारी आई थी, इसमें भी कुछ अवसर ढूंढे, और अवसर इस प्रकार से ढूंढे, आपको मालूम ही है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारी महिलाओं ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाए, जी जी, और पीपीई किट्स तक बनाए। अरे वाह। तो उससे उनका कुछ न कुछ उनका काम चलता रहा, और शुरुआती दौर में क्योंकि बाजार में मास्क, आज तो बहुत मास्क अवेलेबल हैं, उसमें मास्क अवेलेबल भी नहीं थे, तो जब आवश्यकता थी उस समय उन्होंने मास्क बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में लोगों को अवेलेबल करा। सर अगर बात करें विभागों की, तो विभागों के पास एक भारी भरकम बजट होता है जिसे वो यूटिलाइज करने की जगह कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। आपके यहाँ विभाग में क्या व्यवस्था रहती है बजट की? देखिए, हमारा जो मिशन है ये काम करना सिखाता है, और काम करना सिखाने के अलावा उसके लिए जो धन की आवश्यकता होती, राशि की आवश्यकता होती है, उसकी भी पूर्ति करना सिखाता है, पूर्ति नहीं करता है। शुरुआती दौर में हम थोड़ा बहुत उनको वर्किंग कैपिटल देते हैं, जिसे रिवॉल्विंग फंड कहते हैं और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं, वो पैसा देते हैं उनको, और बाद में जो भी उनकी गतिविधियां बढ़ती हैं, आगे एस्टेब्लिश होती हैं और उसके बाद उनका स्केल अप होती हैं, तो उसके लिए बैंकों से ही उनको ऋण दिलाया जाता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आम जानकारी के लिए कि आज के तिथि में अगर कोई स्व सहायता समूह पहली बार ऋण लेता है तो पहली बार उसको 1.5 लाख रुपये ऋण तक बैंक से मिल सकता है। तो अब तो शायद ये राशि बढ़ गई है ना? बढ़ के ही 1.5 लाख हुई है, और उसके बाद अगर वो तीसरी बार लिया तो 6 लाख रुपये तक की वो राशि मिल सकती है, ये समूह के लिए। लेकिन कुछ प्रकरणों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20 लाख रुपये तक के भी ऋण की व्यवस्था की है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो बैंकर है, जो ऋण देने वाले हैं, उनको संतुष्टि होनी चाहिए कि ऋण के समय पर वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सर MSME या दूसरे भी अगर बात करा जाए तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं निकलती हैं, लेकिन जब योजना लेके जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक वालों के अपने रिजर्वेशंस रहते हैं, वो कई बार लोन दे देते हैं और कई बार नहीं देते हैं। आपके केसेस में कितने स्व सहायता समूह को उनके द्वारा लोन दिए गए हैं या दिलाए गए हैं, क्योंकि इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी तो जैसी कोई चीज़ होती नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ ये अच्छी बात है कि ज़्यादातर लोगों को ऋण मिल जाता है। उसका कारण ये है कि 100 में से 97 से अधिक लोग ऋण वापस कर देते हैं। आज की तिथि में भी मध्य प्रदेश में 97% लोग ऋण आसानी से वापस कर देते हैं, लेकिन वो 3% भी है, अगर किसी कारण से, कोई ऐसा कारण हो कि उनके वहाँ घर में ऐसी परिस्थिति ना हो वापस करने की, हम कोशिश करते हैं कि उनके भी ऋण आगे चल के वापस हों। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ऋण लेने में बैंकों से कोई
परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं बैंक में जब प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं उसमें पूरा डिटेल्स रहती हैं कि क्या क्या काम किया जाएगा। और बैंकर को जब एक बार तसल्ली, बैंकर को क्या चाहिए, बैंकर को ऋण देने से पहले ये तसल्ली चाहिए कि मेरा ऋण ब्याज सहित वापस आ जाए, तो हमारे इन केसेस में वापस आ रहा है तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इन केस में सर ऐसा भी कुछ है क्या कि अगर बैंक नहीं दे रहा है और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और परसेंट टू परसेंट कोई बैंक वालों को कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पा रहा, तो आप लोग कुछ बैंक को परस्यू भी करते हैं? नहीं, हम बैंकों से लगातार बैठक करते हैं इसके लिए। देखिए, ब्लॉक स्तर पर बैठक होती है, उसे BLBC बोलते हैं, जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में DLCC होती है और राज्य में एक SLBC होती है। और हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा है कि पिछले लगभग 1.5-2 साल से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ही SLBC की अध्यक्षता कर रहे हैं, और जब वो अध्यक्षता करते हैं और वो महिलाओं के समूहों के प्रति उनका विशेष ध्यान है तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं और ऋण मिलता है। कि दिनांक में पूरे जो देश का एवरेज है अगर वो 1:6 है, मतलब अगर 6 महिलाएं समूह से जुड़ी हैं तो एक महिला उसमें से कुछ न कुछ आजीविका की गतिविधि करने लगी है, और हमारे प्रदेश में अगर 5 महिलाएं जुड़ी हैं तो उसके अगेंस्ट हमारी 2 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, 5 में 2, और ये बढ़ रहा है। और मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से हम नेशनल एवरेज से काफ़ी ऊपर हैं। और इसके बाद एक बात और भी बताऊंगी, जो गतिविधियां हमारे प्रदेश में हो रही हैं मैं गारंटीकेशन कहता हूं इतनी गतिविधियां किसी प्रदेश में नहीं हो रही होंगी। पिछली बार जब 1 साल पहले लगभग मैं आपके साथ आया था तो उस समय हमारी महिलाएं कुल मिला के 105 गतिविधियां कर रही थी, जिनको हम इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं, आय मूलक गतिविधियाँ। और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गतिविधि ऐसी हो जिससे उनको इज्जत के साथ पैसा मिल सके वो गतिविधियाँ करेंगे। सर 156 में कुछ ऐसे फर्स्ट ट्रेंड में आती होंगी जिसमें कि गतिविधियां ज़्यादा हैं और जिसमें लोन भी रिटर्न हो रहा है और आजीविका भी ठीक से चल रही है, उसमें जो टॉप 10 के जो आप उनको आजीविका के लिए जो साधन बताते हैं उसमें कौन सी फर्स्ट ट्रेंड में आता है? टॉप में तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आती हैं, हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज आती हैं, सब्जी उत्पादन जैसे है, जो भी लैंड बेस्ड एक्टिविटीज हैं वो आती हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम विशेष ध्यान देते हैं, जैसे वॉश प्रोडक्ट्स हैं, उसमें साबुन आता है, उसमें डिटर्जेंट आता है, उसके बाद जैसे फिनाइल है, और फिर शहद हमारे वहाँ गैदर भी करते हैं और शहद के हाइब्स भी, बी हाइब्स भी रखते हैं, उससे भी शहद तैयार करते हैं। फिर मसाले है, मसाले के पैकेजिंग, चाहे वो हल्दी हो, चाहे मिर्चे हो, चाहे धनिया हो, इसकी पैकेजिंग पूरे प्रदेश में हम कई ज़िलों में हम करा रहे हैं। एक बहुत अच्छा इंटरवेंशन हुआ, जैसे चप्पल बनाना है, चप्पल हमारी महिलाएँ कई जगह बना रही हैं, और पिछले साल उन्होंने, इस साल उन्होंने अभी अप्रैल से अभी तक करीब 5 लाख चप्पलें बना के बेच भी दी हैं, 5 लाख जोड़ी चप्पलें बना के बेच दी हैं। फिर अपेरल्स का है, जैसे शुरुआती दौर में जो महिलाएं हमारे सिलाई का काम करती थी, छोटा छोटा काम करती थी, लेकिन आज कई महिलाएं ऐसी हैं जो पैंट और शर्ट और बड़ी चीज़ें सिल रही हैं, वो तो प्रदेश के बाहर जा रहा है। हमारे यहाँ बिहार के लोग आ रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं, राजस्थान के लोग आ रहे हैं, गुजरात सूरत से भी लोग आ रहे हैं, जो इन अपेरल्स को खरीद रहे हैं या खरीदने का ऑर्डर देके वो रॉ मटेरियल देते हैं और जो फिनिश्ड है उसको ले जाते हैं। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी महिलाओं को कम से कम महीने का 10,000 रुपये के आए। महिलाएं चप्पल बना के चाइनीज चप्पलों को चुनौती दे रही हैं, क्या कह सकते हैं अपन? बिल्कुल कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि तैयारी कर रही हैं, आने वाले समय में चुनौती देंगी। और जो इनका टर्नओवर है इतना अधिक होगा, आज भी है, जो हमारे इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले हमारी महिलाओं ये जो उत्पाद हैं वो कर रहे हैं। अगर देखा जाए या पॉइंट ऑफ जो डिस्कशन बनता है उस डिस्कशन में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के 2 या 4 शब्द या 1 सेंटेंस टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है या शहरों में डिस्कशन का विषय बन जाता है न्यूज़ चैनल पे, अखबारों में। प्रधानमंत्री ने, आप स्व सहायता समूह मध्य प्रदेश की, मैं गर्व से कह रहा हूँ और आप बधाई के पात्र हैं, इतनी सारी महिलाएं बैठी थी और उनके सामने जब उन्होंने चर्चा की तो पूरे देश के विषय के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 40 मिनट में से, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 35 मिनट या 30 मिनट उन्होंने स्व सहायता समूह के बारे में बात की। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमें इस बात की खुशी है, जो काम हमने किया है उसको पहचाना जा रहा है, उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और वास्तव में ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति हो रही है, सामाजिक और आर्थिक क्रांति, बल्कि राजनीतिक भी कहूँगा, कि इस बार जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें से 17,000 करीब महिलाएं हमारी अलग अलग जगहों पर चुन के आई हैं, जिसमें से जहां माननीय प्रधानमंत्री जी अभी आए थे जिस जिले में, श्योपुर जिला है, वहां की जिला पंचायत अध्यक्ष भी स्व सहायता समूह की सदस्य है।
और इसके अलावा जनपद में भी हैं, जनपद सदस्य हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, हर जगह पर महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व करने लगी हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि जैसा आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 30-35 मिनट स्वसहायता समूह के बारे में बात की, इसका मतलब ये है कि वो जो काम कर रहे हैं अब उसको पहचाना जा रहा है और बात आगे चलकर ये बात एक बहुत बड़ी शक्ति बनने वाली है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो इस नज़रिए से भी देखते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत बनेगा उसमें इन महिलाओं का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी भूमिका इनकी होगी। हमारे यहाँ लघु उद्योग निगम भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हो सकती हैं, तो क्या हमारे उत्पाद उनके थ्रू भी जा सकते हैं? हमारे आज की डेट में उत्पाद जैसे जेम में तो हमने डाले हैं, अमेजोन में भी हमने डाले हैं, फ्लिपकार्ट में भी डाले हैं, बहुत ज़्यादा बिक्री अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन हमने एक अपना खुद का पोर्टल भी बनाया हुआ है आजीविका उत्पाद के लिए। उसमें आपको पिछले एक साल में लगभग करीब 540 करोड़ रुपए का सामान उसमें बिके हैं। और उसमें देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिक नहीं सकती, जैसे हमारे इंडिविजुअल ने दुकान खोली वो उसमें नहीं जा सकता है, दूध मिल्क प्रोडक्ट्स है उसमें जा नहीं सकता, मतलब वो टर्नओवर इसमें ऐड नहीं हो रहा। हाँ, एग्रीकल्चर का है वो उसमें नहीं जा सकता, सब्जी है उसमें नहीं जा सकती, लेकिन कई उत्पाद ऐसे हैं जो उसके थ्रू बिकते हैं। तो 540 करोड़ का हमारे उस पोर्टल के माध्यम से बिका है लगभग एक साल में, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे स्वसहायता समूह के लिए। रोजगार के आप कुछ ना कुछ आप उपलब्ध कराते हैं और रास्ता दिखाते हैं। अभी पिछले 3 महीनों में आपने ऐसी कौन सी और जो शुरू की है जिसमें महिलाएं जुड़ सकती हैं? अभी हमने जो हम आपसे जिस बारे में चर्चा नहीं हो पाई है वो BPCL और HPCL की एजेंसी हमने कई ग्रामों में महिलाओं को दिलाई है जो वहाँ पर गैस सिलेंडर रखते हैं। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना में कई बार गैस सिलेंडर का उपयोग इसलिए बंद हो जाता है कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, उस वहाँ पर उस क्षेत्र में नहीं, गांव गांव में जब खुल जाएंगे तो लोग लेंगे। और हमारी जो बहनें हैं जो इसको चला रही हैं दुकान, इसको आप कह लीजिए, उसमें उनको 10 रुपया प्रति सिलेंडर का लाभ हो रहा है। उसके अलावा डीजल का भी, वो 10 लीटर का एक जेरिकेन होता है, वो डीजल भी वहाँ पर बेच रही हैं, और लुब्रिकेंट्स कुछ हैं वो भी बेचती हैं। तो HPCL और BPCL के साथ हमने उनका अनुबंध कराए हैं बकायदा। सर, हर क्षेत्र में महिला आती जा रही हैं, अपने सिक्योरिटी में भी आ रही हैं, फौज में भी आ रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी आ रही हैं, अभी हम ट्रैफिक में देखते हैं तो ट्रैफिक में भी रेशो बढ़ गया है फीमेल्स का। हमने पिछले दिनों विगत 6 माह के अंदर 60 महिलाओं को सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग दिलाई है जो SHG के मेंबर के हैं, और उनको काम पर भी लगा रखा। हमारे यहाँ जो पोषण आहार संयंत्र चल रहे हैं उनमें पहले पुरुष रहते थे, और लेकिन उनमें हमारे जो पोषण आहार संयंत्र 7 हैं उनमें सब में हमने इन महिलाओं को ही सिक्योरिटी गार्ड की तरह रखना है 24 घंटे, और उनमें से रहना भी शुरू हो गई और उनको अच्छा लगता है, क्योंकि अगर महिलाओं द्वारा वो संयंत्र चलाए जा रहे हैं। और मेरा भी मानना, जैसे आपने कहा कि फौज में भी हैं, पुलिस में भी है, कमांडोज है हमारी महिलाएं, तो सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं होनी, तो इसलिए खुशी खुशी वो ये काम भी कर रही है। तो इनकी प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है? इनका 3 महीने का कोर्स होता है। DDU GKY एक भारत सरकार की योजना है जिसे NRLM ही उसको देखता है, तो उसके अंतर्गत इनका ट्रेनिंग कराई जाती है। जो प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग उनकी होती है। अच्छी लगी, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट में मैंने ये देखा है, सेकंड विजिट में तो यहाँ पे स्वर्ग बना दिया है।
बात तो मतलब एकदम मार्वलस होगा। आपने ये जो तो इवन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को मैं तो चाहता हूँ कि वो खुद टेक ओवर करे क्योंकि इतना अच्छा प्लेस है ये। If you want to enjoy here, have a calm, quiet time to yourself, this is the best place to be. Absolute, fantastic, very good hospitality. This place is very good, I enjoy it very much and ambience bahut acha hai, environment bahut acha hai. Thand thi, to the bonfire aur food, fab food, awesome food. एंड जगह बहुत अच्छी है, मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। सर एक आपका आजीविका फ्रेश जो हम लोगों ने पहले भी देखा था और अक्सर हम गांव में देखते हैं बोर्ड लगा रहता है आजीविका फ्रेश, तो आजीविका फ्रेश में जो आपके वेजिटेबल्स आते थे आसपास के गांव में इसमें भी कुछ और ऐड ऑन किए हैं फ्रूट्स वगैरह या कोई और नई चीज़ इसमें ऐड की है आजीविका फ्रेश में आप? नहीं, आजीविका फ्रेश में तो सब्जियां ही हैं मेनली, फ्रूट्स भी हैं, बहुत कम हैं लेकिन उनकी संख्या ज़रूर बढ़ी है। और एक साल पहले लगभग 750-760 करीब आजीविका फ्रेश थे, आज उनकी संख्या 1500 करीब हो गई है, तो एक साल में ही उनकी संख्या डबल हो गई है। और जहाँ फ्रूट्स का जहाँ तक सवाल है तो हमने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे महिलाओं को बगीचे, फलदार वृक्षों के बगीचे लगाने के लिए प्रेरित किया है। जब मैं प्रेरित किया है बोलता हूँ तो इसका मतलब हमने कोई उसमें पैसा खर्च नहीं किया है, हमने उनको प्रेरित किया है कि आप फलदार वृक्ष भी लगाइए, इससे आपकी इनकम में वृद्धि होगी। इसका सबसे पहले हमने आज से करीब 5-6 साल पहले एक प्रयोग किया था श्योपुर जिले के कराहल ब्लॉक में, जहां अभी माननीय प्रधानमंत्री आए थे, उसके बाद बड़वानी जिले में भी हमने किया था और डिंडोरी जिले के समनापुर एक ब्लॉक है वहां हमने किया था, बड़वानी जिले का राजपुर ब्लॉक था, वहां 500-500 बगीचे हमने लगाए थे जिसमें अलग अलग प्रजाति के वृक्ष थे, आम थे, जैसे श्योपुर में हमने लगाया था आम, उसमें से महाराष्ट्र से केसर प्रजाति के आम लाए थे, एप्पल बेर हमने लगाया था और हमने अमरूद लगवाए थे। इनके परिणाम बहुत उत्साहवर्धक आए हैं, आज 5 साल में ही वो महिलाएं 5-6 साल में आम बेचने लगी हैं, आम खाने लगी हैं, अमरूद बेचने लगी हैं। तो उसमें हमने अपने जो मिशन है मिशन की तरफ से कुछ धनराशि व्यय की थी, पैसा लगाया था, उसके बाद हमने जब और महिलाओं को उन बगीचों में ले गए, इन महिलाओं से उनका इंटरेक्शन कराया, हमने कहा आप इन्हीं से पूछे कि बगीचा लगाने से इनको क्या फ़ायदा हुआ, इतने उत्साहवर्धक परिणाम आए हैं कि जो 500 हमने वहाँ लगाए थे पैसा खर्च करके श्योपुर जिले में, आज वो 500 के करीब 4000 हो गए हैं। सर एक शब्द है मोर्टेलिटी, कि अपन इतने पेड़ लगाएंगे और इतने बढ़ेंगे और इतने रह जाएंगे, आपके ग्रुप की मोर्टेलिटी कितनी है? बहुत सही आपने प्रश्न पूछा, इसको पूछा जाता है, हर स्टेट की अलग अलग रहता है इसमें, मतलब जो डिफंक्ट हो जाते हैं। होता क्या है कि जब समूह बनाते हैं हम, अगर हम जल्दीबाजी करेंगे, हमने एक ही रात में सोचा कि एक गांव में सारे समूह बना दें और उसके बाद हम दूसरे गांव में चले गए,
तो यहाँ गांव में धीरे धीरे करके सब वो सभी मॉर्टेलिटी जो आप कह रहे हैं हो जाएगी। लेकिन अगर हम धीरे धीरे इस काम को करते हैं, एक गांव में माना हमने 10 समूह बनाने हैं टोटल, उनमें से हमने 4 बनाए हैं, 3 बनाए हैं, उनको हम पहले स्ट्रेंथन करते हैं, उनको हम देखते हैं कि हाँ ये हमारा जो पर्पज है वो फुलफिल हो रहा है, और बाकी लोग नज़र रखते हैं कि वास्तव में इन्होंने समूह बनाए तो क्या हो रहा है। अगर वो 3 समूह बना के 4 समूह बना के उनके कुछ ना कुछ वो आयमूलक गतिविधियां करने लगते हैं, कुछ परिवर्तन उनके जीवन में सामाजिक आने लगते हैं, आर्थिक आने लगते हैं, तो फिर जो उनके डिफंक्ट होने की नौबत बहुत कम रहती है। लेकिन अगर बहुत तेज़ी से बनाएंगे और बिना उनको सब कुछ बताए बनाएंगे तो हो सकता है कि उसमें मॉर्टेलिटी जो आप कह रहे हैं ज़्यादा होगी। आपने कहा कि हमने महिलाओं को सिक्योरिटी पे भी लेकर आना है, एक बड़ा दर्द है एक शिक्षक को, सबसे बड़ी तकलीफ है कि पंचायत चुनाव हो गए तो आप घरों में सर्वे के लिए चले जाओ। सर क्या आपके इन 44 लाख में से इफ आई एम नॉट रॉन्ग कम से कम अगर 20% भी ऐसी महिलाएं होंगी जो जिन्होंने 12th किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, 20-25%, तो इस तरह के कुछ डिफरेंट ग्रुप बना के और सरकार की जो है योजनाएं हैं जहाँ सर्वे करना है, तो क्या इस तरह के भी स्व सहायता समूह बनाया जाए जिसमें कि सरकार का जो TADA जो दूसरों कर्मचारियों को देते हैं वो TADA इनको अगर मिल जाए तो इनको रोज़गार भी मिलेगा और अवेयरनेस भी, प्रॉपर अवेयरनेस भी बढ़ेगी। देखिए अलग समूह बनाने की तो आवश्यकता नहीं है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी हमारी गलतफहमी दूर होगी कि हम समझते थे जो 12वीं पढ़ी है वो ज़्यादा होशियार है, जो नहीं पढ़ी हो कम होशियार है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर होशियार हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं उसका एकमात्र कारण है कि उनको अवसर कम मिले इससे वो पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो कई उनमें से कई लोग 12वीं पास से अच्छे हैं, उनकी समझ ज़्यादा अच्छी है, उनका अनुभव ज़्यादा उससे है। तो ये बात लेकिन आपकी बहुत आवश्यक है और इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी सरकारी ऐसे कुछ अभियान चलते हैं उनमें इनकी सहायता ले सकते हैं, लेना भी चाहिए, और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, ईमानदारी से काम होगा, और कुछ कई जगह हम इनसे सर्वे वगैरह कराते भी हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। बट बस एक ही चीज़ है कि इनको समय पर उसका मेहनताना देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, फ्री में हम नहीं चाहते इनसे कोई काम। पूरे स्व सहायता समूह की अगर अपन बात करें तो जब से ये इस्टेब्लिश हुआ होगा, आप तो खैर बहुत सालों से देख रहे हैं, आपने हर तरह की चुनौती देखी, आने वाले समय में जो मैं समझ रहा हूँ एक चुनौती और आने वाली, क्योंकि जिस तरह से स्व सहायता समूह को जो लोन की जो राशि दी जा रही है और जो बढ़ती चली जा रही है, कुछ को 20 लाख भी आप बता रहे थे कि 20 लाख भी मिलेगी, कुछ को 15-1.5 लाख मिल रही है, तो आने वाले समय में जब एक फंडिंग का बड़ा अमाउंट आ जाता है तो फिर लोग दाएँ बाएँ भी होने लगते हैं, उनके इंटेंशंस भी थोड़े से मेलाफाइड होने लगते हैं, तो इस तरह के ये कह तो कहा तो नहीं जा सकता कि साहब 100% सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो जो नहीं कर पा रहे हैं या जो लोन चुका नहीं पा रहे हैं उस पर आप लोगों की किस तरह की कानूनी और कड़ी कार्रवाई आप लोग करते होंगे? अभी तक तो ऐसा नहीं चुकाने का कहीं पर मामले आए नहीं है। हमने ये भी व्यवस्था कर रखी है कि अगर परिस्थितिवश कोई समूह पैसा नहीं चुका पा रहा है तो उनका जो फेडरेशन है समूहों का, ग्राम स्तर का है और संकुल स्तर का है, वो आपस में निर्णय लेके वो पैसा उसका पटा देते हैं। लेकिन कोई ज़बरदस्ती अगर कोई पैसा होने के बाद भी नहीं पटा रहा है तो उसके लिए भी वो महिलाएं जाके उनके उनको समूह में बात करती हैं और उन पर दबाव डालती हैं। आने वाले समय में जैसे अगर कोई समूह ने, किसी व्यक्ति ने 3 बार ऋण ले लिया है और 3 बार ऋण लेने के बाद उसकी आय अच्छी खासी हो गई है तो उसको समूह के माध्यम से ऋण लेने की आवश्यकता फिर नहीं है, फिर वो बैंक में जाए, बैंक से डायरेक्ट ले। अभी जैसे समूह लेता है तो इंडिविजुअल ले अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को आगे और बड़ा विस्तारित करने के लिए, तो फिर ये उसके और बैंक के बीच का रिलेशनशिप है, वहाँ तक हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हम जो सबसे गरीब हैं उनको हमें एक बार उस लेवल तक लाना है कि जहाँ से वो सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीना शुरू कर। जो समूह की महिला 3 बार लोन लेकर जो चुका चुकी होंगी उनके क्रेडेंशियल्स भी इतने अच्छे हो जाते होंगे कि अगर कल को भविष्य में इंडिविजुअल बैंक में लोन लेने जाएं। हाँ बिल्कुल, उसी के आधार पर बैंक देता है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि अगर कोई समूह ऋण लेता है, पहली बार बैंक से ऋण लेता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा सभी लोग आपस में बांट दें। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, कुछ लोगों के कुछ धंधे ऐसे होते हैं, काम स्किल्स होती हैं उनके पास कि वो उस काम को करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं होने से नहीं कर पा रहे। तो सामान्यतः तो अगर 10-12 लोगों का ग्रुप है, पहली बार बैंक से पैसा मिलता है, तो उसमें 3-4 लोग ही उस पैसे का उपयोग सबकी सहमति से करते हैं। जब वो पैसा वापस आ जाता है और बैंक को वापस जाता है, फिर बैंक से दोबारा जो ऋण मिलता है, फिर अन्य लोग जो है वो भी उसमें से पैसा लेते हैं।
तो इसलिए सभी लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह कि जो हमारा आजीविका मिशन है, इसकी सफलता का एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है लगातार प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन। जो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, हम कभी उसको छोड़ते नहीं हैं, और हर ट्रेनिंग में इस बारे में जोर दिया जाता है कि पैसा आपको लगातार लेना है, लगातार वापस करना है। इसके अलावा जो उनकी बैठकें होती हैं, साप्ताहिक बैठकें SHG की होती है, जो ग्राम संगठन की 15 दिन की बैठक होती है, जो CLF की बैठक होती है, वहाँ पर इस विषय पर अनिवार्यतः चर्चा होती है। जिस तरह से, जिस रफ्तार से आप बढ़ते जा रहे हैं, करीब 3-3.5 लाख समूह होंगे, जाहिर सी बात है कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ नए होंगे, तो इन समूह के अमंग द समूह के बीच में आप कुछ आइडेंटिफाई कर रखें कि इस क्षेत्र का ये समूह ने बहुत अच्छा काम किया, इतने दीदी की जो 10,000 से बढ़कर इनकी 20,000 हो गई या 50,000 हो गई। ये हम लगातार ट्रैकिंग करते हैं। हमारे जो मिशन की एक दूसरे जो परियोजनाएं या योजनाएं होती हैं विभागों की, उससे एक बहुत बड़ा अंतर हमारे मिशन में ये है कि हम पहले दिन जिस समूह या महिला के संग हमने काम प्रारंभ किया था 2012-13 से, आज भी उनसे जुड़े हुए हैं। आज भी हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और कितना उनकी इनकम हो रही है। अभी आपने एक बात और भी बोला कि इनको ऋण कब तक मिलेगा। इस तरीके से कुछ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, अब उनको ऋण की आवश्यकता नहीं है। उनके पास इतना पैसा आ गया कि अपने बचत से ही वो अपना कारोबार को आगे बढ़ा रही है। ऋण लेने वाले नहीं, ऋण देने वाली बन गई। ऋण देने वाली दे रही है, इसमें कोई शक नहीं, और रोजगार दे रही है। कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने छोटे मोटे उद्योग धंधे शुरू कर दिए हैं और उसमें एक एक दो दो चार चार पाँच पाँच लोगों को रोजगार दे रही है, उसी गाँव के युवकों को। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जो काम मांगने वाला व्यक्ति है वो काम देने वाला हो गया, इससे बड़ा क्या होता। सर, अब एक छोटी सी चिंता है कि अब आप फिर रिटायरमेंट की बात करने वाले। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन सिस्टम तो बन गया है, लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं क्या करना क्या नहीं करना। वैसे भी एक व्यक्ति क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है, बाकी लोग तो सब वही रहेंगे। बहुत फर्क पड़ता है सर। चिंता का विषय यह है कि आगे और क्या होगा अपने आजीविका। आगे के लिए तो मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ, और हमारी जो महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, डेफिनेटली जो रास्ते में आ गए हैं, जो दौड़ने लगे हैं, इसमें 3 स्टेजेज में बोलता हूँ कि एक तो हम हिला हिला के जगाए लोगों को, भैया उठो, अंधेरे में कब तक लेटे रहोगे, मैदान में आओ। उसके बाद उनको अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, और उसके बाद उनको दौड़ना सिखाया। जो दौड़ चुकी हैं वो तो उन कोई परेशानी नहीं है, जो चल रही हैं उसमें ही कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी थोड़ा बहुत अंधेरे में हैं, उन पर मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। 40-40 साल पुराने सर्कस हो जाते हैं, लेकिन रिंग मास्टर फिर भी रहता है, रिंग मास्टर के सर्कस नहीं चल सकता। खैर, हमारी भी शुभकामनाएं। तो सर, आपसे बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारी नई नई चीज़ें पता पड़ा, नवाचार के बारे में पता पड़ा, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगली बार फिर रूबरू होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।